नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह। तो झारखंड जीके का जो सीरीज है उसका दूसरा वीडियो आज लेके आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो किस ग्रंथ में दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा है, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। तो टॉलमी ने किस नाम से संबोधित किया झारखंड को? तो मुंडल नाम से संबोधित किया है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान द्वारा झारखंड का जो उल्लेख है वह कुक्कुट लाट के नाम से प्रयोग किया गया है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर नाम से झारखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संबोधित किया गया है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इतिहासकार बुकानन ने बनारस से और संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। 19वां नंबर क्वेश्चन, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसके बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय था किशनपुर, और इसे ही बाद में रांची के नाम से जाना गया। इसका मतलब क्या है कि रांची का जो पुराना नाम है वह किशनपुर है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक जो प्रमाण है वह कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम मिला था 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से, झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण मिला था। 21वां नंबर क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद दृतवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो महाभारत काल में जो झारखंड क्षेत्र है वह जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। 22वां नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की जो चर्चा है वह पुंडरिक नाम से की गई है। तो मतलब महाभारत में झारखंड को पुंडरिक नाम से जाना जाता था। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से किस कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो पुंडरिक तो था ही, उसके अलावा पशुभूमि के नाम से किया गया था। 24वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।